हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम बैक टू कैड स्टाइलर्स ऑटोकैड ट्यूटोरियल सीरीज। सो आज हम नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हमने अभी तक जो प्रीवियस कर लिया था, हमने स्केचिंग टूल्स कंप्लीट कर लिए, हमने मॉडिफाइंग टूल्स सारे कंप्लीट कर लिए हैं। सो इनकी हेल्प से जो हम ड्रॉइंग्स बनाएंगे, आज हम उसकी वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। इट मीन्स एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने वाले हैं। सो जितने भी हम 10 वीडियोस बनाएंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, या इससे ज्यादा भी बन सकती हैं, तो उसमें मैक्सिमम एक्सरसाइजेस हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप उससे रिलेटेड जो भी अदर ड्राइंग्स होंगी वो आप बना सकते हैं उसकी हेल्प से। और अगर आपके कोई भी ड्राइंग से रिलेटेड डाउट्स रहेंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। ओके, तो पहली जो हमारी एक्सरसाइज है वो है ये वाली। सो ये एक्सरसाइज आज हम बना के देखेंगे। सबसे पहले ड्राइंग को बनाने का हमारा मेथड क्या है। ड्राइंग को बनाने का मेथड ये है कि हमें ड्राइंग समझ आनी चाहिए। पहली बात तो मुझे टूल्स अगर मुझे याद होंगे कि हाँ हमारे पास ऑफसेट कैसे यूज होती है, हमारे पास आर कैसे यूज होती है, फिलेट कैसे यूज होती है, सर्कल का हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, उसकी सब कमांड्स किस तरह से यूज कर सकते हैं, मतलब आपके पास अगर सारी कमांड्स अच्छे से ग्रैब की हुई है, अगर आपने अच्छे से लर्न की हुई है और अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है, तो आप ड्राइंग्स को इजी बना सकते हो। दूसरा मेथड रहेगा आपके पास ड्राइंग को अच्छे से पढ़ना। सो ड्राइंग को अच्छे से पढ़ने का मतलब क्या है कि आपके दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए कि मुझे बनाना कैसे है, एक्चुअल में ये पार्ट बनेगा कैसे। सो एक्चुअल में पार्ट ये ऐसे बनेगा, ये तो 2D में है तो इजी समझना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी उसमें, बट मुझे बनाना किस तरह से है, वो इमेज किस तरह से बनेगी जब आपको ये सारे टूल्स अच्छे से आते होंगे। तो अगर आपको ये टूल्स अच्छे से नहीं आते होंगे, आप सोचोगे यार ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, अभी उसके कैसे बनाना है मुझे, ये यहाँ पे दिक्कत आएगी आपको। और अगर आपके पास अब जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जो टीचर के पास जाते हैं, सर आप तो इजी बना लेते हो, ये कैसे बना लेते हो, तो टीचर क्या करता है या ट्रेनर क्या करता है, उसको ये टूल्स अच्छे से प्रैक्टिस हो गए होते हैं, तो उसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हाँ यार ये ड्राइंग कैसे बनानी है। उसे पता है कि मैंने एक सर्कल लगाना है, यहाँ से TTR से मेरी एक सर्कल लग जाएगा, यहाँ से एक लाइन लेनी है जिसका डिस्टेंस इतना दे रखा है, यहाँ से भी मैंने सर्कल लेना है, यहाँ से भी मैंने आर्क लेनी है, और इस तरह से ये सारी, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता इन सब चीजों को सोचने के लिए, उसके दिमाग में इमेज बन जाती है। तो इमेज तभी बनती है जब आपको टूल्स अच्छे से आते होंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जब आप इन ड्राइंग्स को बनाने लगोगे तो उससे पहले आपको ये टूल्स की अच्छे से प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये एक्सरसाइज। तो इसको मैं कैसे बनाऊंगा, देखिए ड्राइंग कैसे पढ़नी होती है, सबसे पहले मुझे डायमेंशंस दे रखी है यहाँ पे, तो सर्कल और एक ये सर्कल है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेरे को कितना दे रखा है 42, और यहाँ पे एक डिस्टेंस दे रखा है यहाँ तक का 31.8, और एक डिस्टेंस ये दे रखा है 5.3, एक सर्कल ये दे रखा है 7.5 का, और एक आर्क दे रखी है, और एक ये आर्क दे रखी है, इसका रेडियस कितना है 12 का, और दो रेडियस ये दे रखे हैं। सो इसे मैं किस तरह से स्टार्ट करूंगा, देखिए यहाँ पे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये मैं ओरिजिन बना लेता हूँ, तो यहाँ से मेरा एक सर्कल 2.5 का, एक 4.5 का, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो या फिर यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो एक ड्रॉइंग जो है वो आप नंबर ऑफ मेथड से बना सकते हैं, जिसका जैसा विजन रहेगा, जिसको जिस तरह से सही लगेगा वो उस तरह से बना सकता है, पर मेन थिंग क्या है कि ड्राइंग आपकी एक एग्जैक्ट बननी चाहिए, सही बननी चाहिए और जल्दी बननी चाहिए, कम टाइम में बननी चाहिए। तो वो टूल्स आपने यूज करने हैं, वो उस तरह से आपने ड्राइंग बनाने की प्रैक्टिस करनी है, तक कम से कम टाइम लगे आपकी ड्राइंग बनाने का। तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने एक सर्कल लिया 2.5 का, एक 4.5 का, और यहां से मैं एक सर्कल लूंगा 42 का डिस्टेंस है मेरा, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना दे रखे है 6 के डिस्टेंस पे है, मतलब एक्स में कितना डिस्टेंस है 42 का और वाई में कितना 6 का। सो मैं इस तरह से इसको बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सर्कल ले लेता हूँ, सी एंटर, 0.0, 2.5 का एक सर्कल था मेरा, अगेन एक सर्कल ले लेता हूँ 0.0 पे ही, 4.5 का एक सर्कल था, जेड एंटर, ए एंटर कर लेते हैं, मेरा सर्कल है वो स्क्रीन पे फिट हो जाए। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, अभी के बाद मेरे पास है ये डिस्टेंस, अब ओरिजिन है मेरे पास ये, तो ये वाली साइड पॉजिटिव होगी, ये वाली साइड वाई एक्सिस में पॉजिटिव होगी, ये वाली एक्स एक्सिस में पॉजिटिव होगी, एक्स एक्सिस में नेगेटिव हो जाएगी, वाई एक्सिस में नेगेटिव हो जाएगी। तो जो मेरा ये वाला पॉइंट है सर्कल का सेंटर, कितना दे रखे है एक्स में -42 दे रखे है और वाई में -6 दे रखे है। सो मैं क्या करूंगा, अभी सर्कल माइनस एक्स में 42 और वाई में -6, तो सर्कल का डिस्टेंस आ गया और सर्कल का रेडियस कितना था 7.5। ओके, सो इसके साथ ही अभी मेरे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ से मैं एक लाइन ले लेता हूँ, अब ये वाली जो एक लाइन आ रही है कितने डिस्टेंस पे 6 के डिस्टेंस पे है, सो मैं एक लाइन ले लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन है मेरे पास, मैं एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ से सेंटर से, सो यहाँ से
लाइन जो है फ्री मूव कर रही है, तो मैं यहाँ से ऑर्थो ऑन कर सकता हूँ। सो ये मेरे पास आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो मेरे पास एक आर्क आ रही है 13.5 की आर्क आ रही है, तो इस आर्क को मैं किस तरह से लगाऊंगा, सी एंटर टी टी आर, ये टेंजेंट हो गया मेरे पास, ये टेंजेंट हो गया और मेरे पास रेडियस कितना आ गया 13.5 का। सो इस तरह से इसको मैं ट्रिम भी कर लूंगा, टी आर डबल एंटर। सो जो मेरे पास एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको मैं ट्रिम कर लूंगा। अब एक चीज हो रहा है यहाँ पे मेरे पास एक आर्क दे रखी है, तो यहाँ पे कितनी आर्क है 12 की, तो यहाँ से मैं सी एंटर टी टी आर करके भी बना सकता हूँ और मैं फिलेट भी ले सकता हूँ, कितने एम एम की, 12 mm की। तो यहाँ से मैंने फिलेट लिया, आप देख सकते हो ये कंप्लीट हो गया। सो मेरे पास बेस पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी मेरे को ये वाला पोर्शन बनाना है और ये वाला स्लॉट बनाना है। तो इससे पहले मैं ये वाला बना लेता हूँ, तो डिस्टेंस कितना आ रहा है 5.5 का आ रहा है। सो मैं इस लाइन का ऑफसेट ले लूंगा, यहाँ पे 5.5 का ऑफसेट दे रखा है। सो इस लाइन को मैं यहाँ पे ऑफसेट कर दूंगा और यहां से क्या दे रखा है, डिस्टेंस कितना दे रखा है 29.54 का। सो मैं 29.54 पे एक लाइन लगा लेता हूँ, किस तरह से एल एंटर, इसको मैं ऑफसेट कर लेता हूँ, कितना 29.54, इसको मैंने ऑफसेट कर लिया, तो ये मेरे पास लाइन ऑफसेट हो जाएगी, मेरे पास ये पॉइंट आ गया। सो मैं यहां से क्या करूंगा, अभी आप एक चीज चेक करना, ये लाइन जो है मेरी टेपर जा रही है, ओके। सो टेपर जा रही है, तो मैं यहां से क्या करूंगा, अभी एक लाइन ले लूंगा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो ये पॉइंट मेरा टेंजेंट है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, एक लाइन लूंगा इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक। तो यहां पे अगर सर्कल पे मेरे को टेंजेंट लगाना है तो मैं टेन एंटर कर दूंगा, टेन एंटर किया तो आप देख सकते हो टेंजेंट उसने डायरेक्टली शो कर दिया मुझे। सो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, अभी इसे इरेज कर रहा हूं, इस लाइन को भी इरेज कर देता हूँ, इस लाइन को भी इरेज कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैं अभी एक्सटेंड कर रहा हूँ इस लाइन को, और यहाँ से मैं क्या करूंगा, एफ एंटर आर एंटर फिलेट अप्लाई कर दूंगा यहाँ पे। कितने एम एम की फिलेट है यहाँ पे, 13.5 की। सो 13.5 की मैं फिलेट अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे। सो ये पोर्शन मेरा कम्प्लीट हो गया। सो ये पोर्शन किस तरह से बनाना है मुझे, ये वाला जो पोर्शन आ रहा है, ओके। सो आप देखो, अगर यहाँ पे ये वाला एंगल कितना दे रखे है 60 डिग्री, और अगर मैं ये देखूं ये वाला एंगल कितना 90 डिग्री, तो 90 - 60 30, ये वाला 30 डिग्री एंगल आ रहा है मेरे पास, तो इसका ऑपोजिट एंगल कितना आ जाएगा मेरे पास, वो भी 30 डिग्री आएगा। तो यहां से मैं एंगल लूंगा 30 डिग्री, बट एक्चुअल एंगल कितना आएगा, वो आएगा 0 90 180 + 30, तो एंगल कितना आ जाएगा 210। तो मैं इसमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करूंगा। सो अगर जिसको ये पॉइंट समझ नहीं आएगा, वो मेरी वीडियो देख सकता है कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ओके। सो एल एंटर, मैं इस पॉइंट से एक लाइन ले रहा हूँ, एट द रेट 10 लेस देन एंगल 210। सो ये पॉइंट आ गया मेरे पास, ऑफसेट ले लेते हैं इसका, डिस्टेंस कितना दे रखा है इसका, सो इसका डिस्टेंस कितना दे रखा है यहाँ पे 6 mm। सो 6 mm डिस्टेंस दे रखे, तो मैं इसकी ऑफसेट ले लेता हूँ 3 mm की, ये ऑफसेट लिया, दोनों साइड ऑफसेट ले लेता हूँ, एस्केप, लाइन ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ से यहां तक, ओके। अब इसके बाद क्या रहेगा आपके पास, सो यहाँ पे एक रेडियस भी दे रखा है आपको 9 का, तो 9 का रेडियस किस तरह से लगाएंगे, एक आर्क लेंगे जो है आपके पास स्टार्ट एंड और रेडियस, तो स्टार्ट पॉइंट यहां से, एंड पॉइंट यहां से, और रेडियस कितना आएगा 9, ओके। तो इस तरह से ये आपके पास आर्क आ जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चीज मैंने आपको बताई थी, रीजन कमांड मैंने करवाई थी, जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक्स को देख सकते हैं और वीडियोस को देख सकते हैं। तो रीजन कमांड मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, अगर आपके पास इससे भी बड़ी ड्रॉइंग आ रही है तो रीजन कमांड आप यूज कर सकते हो, ओके। अगर आपने एक्सट्रूड करना है 3D में करना है तो रीजन कमांड आप यूज कर सकते हो। सो आप देख सकते हो मैंने इसको भी रीजन बना लिया, इसको भी रीजन बना लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी और मेरा ऑब्जेक्ट भी ज्वाइन हो गया हुआ है, ग्रुप बन गया हुआ है, ओके। सो यहां से मेरी ये जो ड्राइंग है मेरी कंप्लीट हो गई है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं डायमेंशंस लेके देख लेता हूँ, एग्जैक्ट डायमेंशंस आई हैं कि नहीं आई हैं, ओके। सो मैं यहाँ पे रेडियस ले लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे रेडियस आ गया मेरे पास कितना 7.5 का। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ रहा है रेडियस, ये वाला रेडियस आ रहा है, ये कितना आ रहा है 12 का। तो आप देख लीजिए, ये 12 का है, ये 7.5 का है, एग्जैक्ट आ रहा है। एक ये रेडियस आ रहा है आपके पास, अब ये रेडियस देख लीजिए कितना आ रहा है, 9 का आ रहा है। अब इसमें एक रेडियस ये भी होगा शायद, ये भी देख लेते हैं, हाँ ये देखिए ये भी आ रहा है आपके पास रेडियस। नेक्स्ट आपके पास
रेडियस कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, कितना आ रहा है 13.5 का, सेम आ रहा है। तो यहाँ पे भी कितना था 13.5 का ही था, और यहाँ पे 2.5 और 4.5 का भी रेडियस है, तो वो भी चेक कर लेते हैं। ये मेरे पास 4.5 का एग्जैक्ट आ रहा है, इसके साथ ये 2.5 का भी आ रहा है। ओके, सो रेडियस मेरे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे अब मेरे पास डिस्टेंस कितना आ रहा है 42 और 29.54, तो वो भी चेक कर लेते हैं एक बारी। सो डिस्टेंस कितना आ रहा है मेरे पास यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है 42 एग्जैक्ट आ रहा है। दोबारा इसका और इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है 29.54 एग्जैक्ट आ रहा है। ओके, इसके बाद क्या आएगा आपके पास, ये वाला डिस्टेंस आ रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस भी सिलेक्ट कर लेते हैं। कितना डिस्टेंस आ रहा है यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है 5.56, ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा है। ओके, सो एग्जैक्ट आ रहे हैं। ओके, इसके बाद और कोई डायमेंशन है देख लेते हैं। हाँ, ये एंगल बचा है मेरे पास, तो एंगल के लिए हम क्या करेंगे, अभी एक लाइन ले लेते हैं इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की, और ऑफसेट कर लेते हैं उसको 3 mm, ताकि ये लाइन आ जाए। तो ये वाली जो लाइन ऑफसेट क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये सारा एक ऑब्जेक्ट है, तो ये सारा ऑफसेट होता रहेगा, तो मुझे एक लाइन लेनी पड़ेगी इसके ऊपर। ओवरड्राइव मैंने एक लाइन ली है इसकी, ठीक है, एक्सटेंड कर लेते हैं इसको ताकि मैं डायमेंशन जो है इजी ले सकूं। ओके, एक लाइन ले लेते हैं सर्कल के सेंटर से। सो एंगल सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे एंगल चेक कर लेते हैं कितना एंगल आ रहा है, एंगल भी 60 डिग्री ही आ रहा है। ओके, सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये ड्राइंग इजीली समझ आ गई होगी, काफी कुछ आपने इसमें से सीखा होगा। आप इसे ट्राई कीजिए, बनाइए, और एक बारी अपने एंड से भी बनाने की कोशिश कीजिए कि आप किस तरह से इसको बना सकते हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस होगी। आप इसको देखोगे और इसी को ही समझ लोगे कि हाँ मैंने बना लिया, तो वो प्रैक्टिस नहीं होगी। आप इसको देखिए किस तरह से मैंने क्या क्या कमांड्स यूज किए हैं, क्या क्या लॉजिक्स यूज किए हैं इसमें। ओके, सो उसको आप यूज कीजिए और अपने एंड से भी बना के देखिए आप किस तरह से इसको बना सकते हैं, किसी अलग वे से बना के देखिए। तो एक दो मेथड से, अगर दो तीन मेथड से अगर आप इसको बना के देखोगे, सो ज्यादा आप अच्छे से सीख सकते हो। ओके, सो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है और यही आपको सजेशन है कि आप इसको जितना अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितनी बार प्रैक्टिस करो उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है, उतनी ज्यादा आपकी कमांड स्ट्रांग होगी, उतनी ज्यादा आपकी स्पीड अच्छी होगी। ओके, सो आइए नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज को ट्राई कर लेते हैं। ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, सो इसमें हमारे पास क्या है, मैं इसको जूम करके देख लेता हूँ किस तरह से ये, इसको थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको किस तरह से ये ड्राइंग। ये देखिए, यहाँ पे एक सर्कल है मेरे पास और यहाँ पे भी एक सर्कल है, तो यहाँ पे सर्कल कितने कितने के हैं 12.5 का है, यहाँ पे कितना है 16 का है। तो ये वाली जो मेरे पास लेंथ दे रखी है कितनी है 14, और इस सर्कल के सेंटर से इस सर्कल के सेंटर तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है मेरे पास 70। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये दो ही सर्कल लगा लेता हूँ, एक सर्कल है मेरे पास 7.5 और एक 5 का, तो मैं एक सर्कल ये लगाऊंगा और एक सर्कल ये इस पॉइंट पे लगाऊंगा जो कि है 0.-70 चला जाएगा, अगर मैं ओरिजिन वो वाला लेके चलता हूँ। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस UCS को मूव कर लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पे ओरिजिन बना के ऑब्जेक्ट को इजी बना सकूं। ओके, सो सी एंटर 0.0, मेरे पास एक 5 का सर्कल था, अगेन सी एंटर 0.0, एक मेरे पास था 7.5 का सर्कल, तो ये दो सर्कल मेरे पास आ गए। एक सर्कल मैंने लेना था नीचे वाई की तरफ -70 में, सो 0.-70 कितना सर्कल आ जाएगा देख लेते हैं। मेरे पास एक 16 का रेडियस है और एक 12.5 का रेडियस है। ओके, सो एक मैं ले लेता हूँ 12.5 का रेडियस अगेन। अब यहाँ पे एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने अभी फर्स्ट सर्कल के लिए 0.-70 फिल किया, मान लीजिए आपको कोऑर्डिनेट्स याद नहीं रहे या आप कोऑर्डिनेट्स फिल नहीं करना चाहते, तो एट द रेट 0.0 करोगे तो उसी पॉइंट पे जो लास्ट पॉइंट होगा आपका वहीं पे वो लाई कर जाएगा। ओके, सो अब की बार मेरा 16 रेडियस था तो मैंने 16 रेडियस फिल कर दिया। नेक्स्ट अब देखते हैं क्या बनाना है हमें। अब देखिए, एक ये आपके पास सर्कल दिखा रहा है 4 रेडियस का, तो उसका डिस्टेंस कितना आ रहा है 20, और एक सर्कल और आ रहा है आपके पास यहाँ पे जिसका रेडियस है 2.5 का, और उसका डिस्टेंस कितना दिखा रहा है यहाँ से 40, मींस ये टोटल कितना हो गया 60, और अगर ओरिजिन से वैल्यू देखूं तो कितना आ जाएगा टोटल कितना 70, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.-50 पे ये सर्कल लग जाएगा, और ये डिस्टेंस मेरे को कितना दे रखा है 40,
तो टोटल डिस्टेंस मेरा कितना है 70, तो 40 प्लस 20 60, इट मींस ये डिस्टेंस कितना रहा आपके पास 10 का। सो यहाँ से कितना आ जाएगा 0, -10 पे ये 2.5 का सर्कल लग जाएगा। तो दो में सर्कल लगा लेता हूँ यहाँ पे अगेन, सी एंटर, 0, -50 पे एक सर्कल आ जाएगा कितने का 4 का, 0, -10 पे एक सर्कल आ जाएगा 2.5 का। ओके सो ये दो सर्कल आ गए मेरे पास। अब यहाँ पे देखते हैं और मुझे क्या चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पे एक डिस्टेंस दे रखा है 8.5 का, ये सर्कल भी मैंने लगा लिया, ये सर्कल भी लगा लिया, ये सर्कल भी लगा लिया। अब ये जो रेडियस आ रहा है इसके लिए मुझे ये लेंथ चाहिए, ये लाइन चाहिए। तो इस लाइन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक डिस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे 8.5 का, और यहाँ पे कितना आ रहा है 14 का डिस्टेंस आ रहा है। सो मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक लाइन लेके इसको ऑफसेट कर दूंगा, 8.5 का डिस्टेंस हाफ कितना हो जाएगा 4.25। सो मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ, एल एंटर 0, 0, और इसको मैं ऑफसेट कर लेता हूँ, ओ एंटर, 4.25 का एक डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास जो कि हाफ होगा। तो टोटल अगर मैं दोनों का डिस्टेंस देखूंगा तो 8.5 होगा, वो हम बाद में डायमेंशन लेके देखेंगे। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे भी एक लाइन ले लेते हैं, 0, -70 पे एक लाइन ले लेते हैं, ऊपर वाली साइड ले लेते हैं, नीचे वाली साइड कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर मुझे ऊपर वाली साइड ही चाहिए। तो अभी डिस्टेंस कितना आ रहा है यहाँ पे 14 का, सो 14 के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ओ एंटर, 7 का डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास, एक डिस्टेंस ये आ गया, एक डिस्टेंस ये आ गया। ओके सो मेरे पास अब ये, तो एल एंटर, आप एक साइड बना के दूसरी साइड पे मिरर भी कर सकते हो, तो मैं एक साइड बना के ही मिरर करूंगा। ओके एक पॉइंट ये ले लिया मैंने, दोबारा देख लेते हैं, एक पॉइंट ये पिक किया मैंने, और अभी यहाँ पे ऑर्थो आप ऑफ कर दीजिए, सो दूसरा पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा। ओके इरेज कर दीजिए इस लाइन को, और यहाँ पे एफ एंटर, आर एंटर, फिलेट अप्लाई कर दीजिए ये वाले, ये जो फिलेट आ रहा है आपके पास, फिलेट कितना आ रहा है 8.5 का आ रहा है, सो 8.5 का फिलेट अप्लाई कर दीजिए। सो मैंने यहाँ पे फिलेट अप्लाई कर दिया। ओके और यहाँ पे भी फिलेट अप्लाई कर दीजिए, एफ एंटर, आर एंटर, सो यहाँ पे कितना फिलेट है मेरे पास 5 का फिलेट है, सो 5 का फिलेट यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ एफ। सो आपने एक चीज नोट की होगी कि यहाँ पे जब मैंने फिलेट लगाई तो ये वाली लाइन सारी रिमूव होगी, मुझे इसको रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अभी जो एक्स्ट्रा मेरी लाइन है सभी को मैं इरेज कर देता हूँ, इरेज की शॉर्टकट की होती है ई एंटर, और ये भी लाइन मुझे नहीं चाहिए और सेंटर लाइन भी नहीं चाहिए मुझे। सो मैं सभी को इरेज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ ताकि मैं एक ही बार में सिलेक्ट करके मिरर कर सकूँ। तो ये तीनों एक ऑब्जेक्ट बन गए हैं। अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिरर कर रहा हूँ, एम आई एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, 0, 0 और 0, 10, तो आप देख सकते हो मिरर हो गया। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अब इनको ज्वाइन करना है मुझे, ठीक है, तो ये वाला स्लॉट बनाना है, तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। सो मैं एक लाइन लूंगा और सर्कल के क्वाड्रेंट से मैं एक इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा, आप देख सकते हो टेंजेंट ही अप्लाई हो रहा है मेरा। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे जाऊंगा इस क्वाड्रेंट से लेकर इस टेंजेंट तक, ठीक है, तो ट्रिम अप्लाई कर देंगे, ये चीज ट्रिम कर दीजिए, ये चीज ट्रिम कर दीजिए, और क्या ट्रिम करना है मुझे, मेरे पास ये आर्क भी नहीं चाहिए मुझे, और मुझे ये वाली आर्क भी नहीं चाहिए। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको भी ट्रिम, इसको भी ट्रिम कर देता हूँ, इसको भी ट्रिम और इसको भी ट्रिम कर देता हूँ। ओके सो ये मेरी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसमें डायमेंशंस चेक कर लेता हूँ, डायमेंशंस कितनी आ रही है मेरे पास, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है मेरे पास 70। सो यहाँ पे कितना था 70 ही था, और यहाँ से ये यहाँ तक कितना डिस्टेंस है 20, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 40। सो वो भी मैं चेक कर लेता हूँ एक बार अगेन, इस पॉइंट से लेकर इस सर्कल के सेंटर तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है 20, अगेन इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है अगेन 40, और इसके बाद ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। सो सभी रेडियस को चेक कर लेते हैं एक बारी, अभी डिस्टेंस भी है मेरे पास
सो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये डिस्टेंस कितना आ गया, 14 आ गया। नेक्स्ट मेरे पास ये डिस्टेंस, इसको चेक कर लेते हैं, ओके। सो ये भी डिस्टेंस मेरे पास कितना आ गया, 8.5 का आ गया, ओके। इसके बाद चेक कर लेते हैं अपने रेडियस। सो रेडियस किस तरह से आएंगे आपके पास, एक रेडियस ये आ रहा है आपके पास, कितना आ गया था, 5 ही था, और एक ये रेडियस है और एक ये रेडियस है। तो इन दोनों को भी चेक कर लेते हैं, एक रेडियस आ रहा है आपके पास 2.5 ये वाला, एक रेडियस आ रहा है आपके पास 4 का, इट मीन्स हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। और एक रेडियस ये आया था 8.5 का, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही आ रहा है, ये भी सही आ रहा है, और ये भी सही आ रहा है। इट मीन्स हम बिल्कुल सही बना रहे हैं, ओके। सो ये है मेरी ड्राइंग। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये दोनों एक्सरसाइजेस अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और इनको बार बार ट्राई कीजिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू।